टेज आर कंप्यूटर पीरियड वी हैड रेड हाफ पार्ट ऑफ चैप्टर थर्टीन इन अवर लास्ट पीरियड साइबर क्राइम प्रोटेक्शन नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिसन पेज नंबर वन ट्वेंटी सेवन इन यूर बुक वी हैव टू रीड फ्रॉम ह्यर सोशल नेटवर्किंग साइट सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी होती है सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक एंड माई स्पेस आर वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर टीन्स एंड यंगर यूजर्स ऑन द इंटरनेट बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड मेक न्यू फ्रेंड्स ओवर द इंटरनेट ठीक है फेसबुक है स्पेस है और भी कई सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं लेकिन ये दोनों है जो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है किन के लिए टीन्स एंड टीनेजर जो होते हैं है ना यंगर यूजर जो होते हैं इंटरनेट पर इनके लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्यों क्योंकि यहां पर किस चीज की एबिलिटी होती है वो फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इन साइट्स पर एंड न्यू फ्रेंड्स भी बना सकते हैं इंटरनेट पर ओके अनफॉर्चुनेटली दीज लोकेशंस ऑर आल्सो फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय ऑनलाइन क्रिडेटर्स बिकॉज ऑफ ऑनलाइन पिक्चर्स एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन पोस्टेड बाय द बाय डिफरेंट यूजर्स पार्टिसिपेटिंग ऑन दैप दुर्भाग्य से हम लोग देखें तो यही जो साइट होती है इस पर ऑनलाइन प्रीडेटर्स जो होते हैं जो क्रिमिनल होते हैं है ना जो शिकार की तलाश में रहते हैं कि किसको हम ऑनलाइन लूट सकते हैं या किसका मोबाइल या कंप्यूटर हैक कर सकते हैं ठीक है ये से लोग जो होते हैं उनको कहा जाता है ऑनलाइन प्रीडेटर्स ये लोग भी फ्रिक्वेंटली उन्हीं साइट्स को विजिट करते हैं ठीक है क्यों क्योंकि उन लोगों को माध्यम मिल जाता है क्योंकि कई सारी ऑनलाइन पिक्चर्स एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह डिफरेंट यूजर्स के साथ पार्टिसिपेट या उसको पोस्ट किया जाता है ठीक है तो ये लोग क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को ढूंढने में लगे रहते हैं ठीक है ना इफ यू अलाउ योर चिल्ड्रेन टू विजिट दीज साइट मेक श्योर दे आर नॉट पोस्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दमसेल्व एज मैंशन अर्लियर इन दिस चैप्टर ठीक है अगर आप अपने बच्चों को इन साइट्स को यूज करने के लिए अलाउ करते हैं तो आप उनको ये चीज समझा दें कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन पोस्ट ना करें जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होता है हम इस चैप्टर में लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं वी ऑल्सो स्ट्रांगली रिकमेंड पेरेंट्स और देयर चिल्ड्रन शुड सेटअप देयर रिस्पेक्टिव प्रोफाइल्स सीक्रेटली सो दैट ओनली देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली में व्यू देअर प्रोफाइल इसके साथ साथ हम और एक चीज़ रिकमेंड करेंगे कि आपको क्या करना है कि आपके चिल्ड्रन को एंड uh, पेरेंट्स को भी चीज ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो भी प्रोफाइल है ना उसको हमको सीक्रेट रखना चाहिए ताकि हमारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ही हमारी प्रोफाइल देख सकें और कोई ना देख सके बिकम देअर फ्रेंड इट इज ऑल्सो अ गुड आइडिया इफ यू बिकम योर चाइल्ड फ्रेंड ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट ही इज ब्राउजिंग विच आर यू आर ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ ठीक है एक और ये एक अच्छा आइडिया है कि अगर आपका बच्चा जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर है या जो वो ब्राउज कर रहा है आप भी उसके क्या बन जाओ फ्रेंड बन जाओ तो वो जो भी पोस्ट करेगा जो भी शेयर करेगा वो चीज़ आपको पता रहेगी ठीक है नो द लिंगो द इंटरनेट इस्पेशली विध यंगर यूजर्स इज फुल ऑफ एक्निक्स लिंगो कोर्ड्स एंड अदर टर्म्स दैट कैन बी यूज टू डिस्ग वॉट इज बींग ट्ड अबाउट इंटरनेट जो है इस्पेशली यंगर यूजर्स के लिए ये क्या करते हैं कि इंटरनेट जो है वो पूरा भरा होता है इसमें शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं कोड वर्ड होते हैं लिंगो होते हैं है ना जिससे क्या होता है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं उसको डिस्गाइज कर दिया जाता है मतलब छुपा दिया जाता है टॉपिक कुछ और होता है बात कुछ और चल रही होती है ठीक है शॉर्टकट लिया गया या कोड वर्ड से बातें होती है ठीक है तो इस चीज़ के बारे में हमको ध्यान में रखना चाहिए जो भी टॉप टेन टर्म्स है हर एक पेरेंट्स को जो कॉमनली यूज होते हैं है ना जो लिंक्स यूज होती है उसके बारे में पेरेंट्स को जानना चाहिए है ना और जानकारी रखना चाहिए नॉट टर्न ओवर द पेज डिसेबल वेब कैंप्स इफ योर कंप्यूटर हैज एनी डिजिटल कैमरा और वेब कैम्प कनेक्टेड टू इट प्रोहिबिट योर चाइल्ड फ्रॉम यूजिंग इट विदाउट योर प्रेजेंस अगर आपका कंप्यूटर जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो उसमें डिजिटल कैमरा या वेब कैम्प है तो और वो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है है ना तो आपको अपने बच्चे को मना करना चाहिए कि आपकी प्रेजेंस अगर आप नहीं हो तो वो उस कैमरे का यूज़ ना करें या तो आप उसका आपको यूज नहीं है तो उसको डिसकनेक्ट कर दें या डिसेबल कर दें वॉच स्कूल वेबसाइट्स वॉच योर चाइल्ड्स स्कूल वेबसाइट वेब पेज फॉर एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर किड्स सच एज पिक्चर्स ऑफ अ स्टूडेंट फुल नेम एड्रेस एट्सेट्रा ठीक है आपको अपने स्कूल बच्चे की जो स्कूल वेब पेज है है ना उसको देखना चाहिए क्योंकि उसमें क्या होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है बच्चे की ठीक है तो स्टूडेंट की पिक्चर होती है उसका फुल नेम होता है एड्रेस होता है यही जो इन्फॉर्मेशन होती है ये सर्च इंजन का यूज़ करके जो प्रिडेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चे का अगर पूरा नाम उनको पता है स्कूल या ग्रेड पता है तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं प्रोटेक्ट दैम इन गेम्स मैनी चिल्ड्रन प्ले ऑनलाइन गेम्स दे शुड नॉट गिव एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू अदर प्लेयर्स और पार्टिसिपेट इन एनी ट्रेडिंग ऑफ एनी गेम आइटम्स फॉर इन गेम सर्विसेज और शेयर रियल लाइफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन कई सारे बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं ठीक है तो बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो अदर प्लेयर्स या जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें है ना उनको ना दें ठीक है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें ठीक है जो रियल लाइफ इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्म द पुलिस इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरत पड़े तो पुलिस को इन्फॉर्म करें इफ आइदर यू और योर चाइल्ड इज बींग थ्रीटेंड और सम वन इज हैकिंग योर सिस्टम और सेंडिंग एव्यूजिव ईमेल और यू आर फीलिंग अनसेफ जस्ट कॉल द पुलिस अगर आपका बच्चा या आप दोनों को कभी धमकी मिल रही हो या किसी के द्वारा ऑनलाइन धमकी दी जा रही हो या आपके सिस्टम को हैक किया जा रहा हो ठीक है एव्यूजिव ईमेल सेंड किए जा रहे हो तो और आप अनफीलिंग अनसेफ फील कर रहे हो तो आपको किसको कॉल करना चाहिए पुलिस को कॉल करना चाहिए पुलिस उस पर्सन को है ना और उसकी लोकेशन वगैरह जो है जहाँ से इंटरनेट वो यूज़ कर रहा है उसको फाइंड आउट कर लेगी ठीक है पुलिस फाइंड आउट कर सकती है जस्ट कीप रिकॉर्ड्स एंड एविडेंसेस टू टेक एनी एक्शन एंड देन गो अहेड आपको क्या करना है रिकॉर्ड्स रखना है एविडेंस रखना है जो भी धमकी आपके पास आई है उसके बाद आगे की एक्शन आप लोग ले सकते हैं ठीक है तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पीरियड में करेंगे अ नाइस डे